لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. उनके लिए हर तरह के फल होंगे फाकिहतुन, और फाकिहतुन की नकिरा जो यहां इस्तेमाल हुई है ना, इसका एक तर्जुमा यह भी हो सकता है उनके लिए कोई फल होगा। अब कोई फल से मुराद सवाल पैदा होता है कौन सा फल, और ये जानबूझ के अल्लाह ने किया अभी नहीं बता रहा, अभी नहीं बताना तुम्हें, अब इंतजार करो सोचते रहो कौन सा फल, लेकिन ऐसा फल जिससे तुम्हें मुस्कुराहट जरूर आएगी। लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदअउन, और फिर उनके लिए क्या होगा, और खास उनके लिए जो वो मांगेंगे, जिस चीज का मुतालबा करेंगे, जिस चीज का ऑर्डर देंगे वो उनके लिए आ जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैं याद कर रहा था, हिफ्ज़ कर रहा था कुछ हिस्सा कुरान का, वलहमि तैर मिम्मा यश्तहून, और खासकर खाने में अल्लाह ताला फलों का बहुत जिक्र करते हैं, मुझे फलों का इतना शौक नहीं है, अब बार बार कुरान में फलों का जिक्र हो रहा है, खजूरें तो हैं लेकिन खजूरें मुझे तो अमीन अच्छी तो लगती हैं, इतनी भी अच्छी नहीं लगती, स्ट्रॉबेरीज तो है नहीं कुरान में, तो मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए। अब मैं याद कर रहा हूँ तो आयत आती है वलहमि तैर मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त जिसकी तुम्हें बड़ी चाहत है। मैंने कहा चलो चिकन का इंतजाम तो हो गया एक एक चीज का बार कहीं कहीं जाकर कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है वलहमि तैर मिम्मा यश्तहून। लेकिन इसके अलावा भी, खाने के अलावा भी, घर की बात, किसी और चीज की बात, वो जन्नत के बारे में जो जिस जिन जिन उम्मीदों का जिक्र किया गया है, फर्ज करें एक बच्चे ने मुझसे आके पूछा था एक्चुअली कि अगर मेरी फैमिली ऊपर वाली जन्नत में पहुंच गई किसी सातवें दर्जे की और मैं नीचे वाले में हुआ तो मेरा क्या होगा, इसका भी जिक्र है कुरान में। और बात क्या की गई है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो लोग निचले दर्जे की जन्नत में होंगे ना, अगर आपके कोई रिश्तेदार ऊपर है आप सबको परमानेंटली अपग्रेड कर दिया जाएगा, उनको नीचे नहीं लाया जाएगा, आप सबको ऊपर ले जाया जाएगा, ये अल्लाह ताला की रहमत है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये जन्नत के अंदर ही होता है, ये नहीं होता कि कोई जन्नत में है कोई रिश्तेदार जहन्नम में है तो उसको अपग्रेड कर दें, वहां से अपग्रेड नहीं होनी, ये जन्नत के अंदर ही अपग्रेड का मामला चल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये है लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदअउन, फिर अब तुम क्या मांग लोगे इसके बाद के सबसे ज्यादा अजीम खुशी क्या होगी उस दिन, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलाम एक ऐसा लफ्ज, और कौलन जो नसब यहां पर आया ना इसको अरबी में कहा जाता है लिताज्जुब, नसबु अला ताज्जुब, यानी ऐसा अजीम लफ्ज, कौलन तो हम पढ़ देते हैं एक कौल लेकिन इसका मंसूब होना यहां खास है, अलल इहतिमाम नसबु अलल इहतिमाम, तो कौलम मिन रब्बिर रहीम ऐसा कौल, सलाम ऐसा कौल जो एक बहुत रहमत मोहब्बत करने वाले रब की तरफ से आ रहा होगा, आपको अल्लाह ताला खुद सलाम कहेंगे, सलाम उन कौलम रब्बिर रहीम। ये मुलाकात जो हमारी अल्लाह ताला से होनी है ना, ये दो तरह की हैं, एक लोग हैं जो अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं, उनसे इल्तिजा करना चाहते हैं यौमुल क़ियामत में और क़ियामत के दिन, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, ला यंज़ुरु इलैहिम यौमुल क़ियामती वला युज़क्कीहिम, ना उनकी तरफ खुदा देखेगा ना उनको पाक करेगा, कुछ लोगों की तरफ अल्लाह देखने से भी इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ शक्लें ऐसी होंगी जो रोशनी से भरी होंगी क्योंकि वो रब की तरफ देख रही होंगी, रब को ताक रही होंगी, गौर से घूर रही होंगी अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला कुछ लोगों, कुछ अहले ईमान को अपने देखने का मौका मिलेगा, इसीलिए हमारी शक्लें नूर से भरी होंगी अल्लाह ताला के नूर से, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा।